वेलकम टू बीबी न्यूज। भारत की पुरानी चवन्नी 25 पैसे उसी की तरह दिखने वाले ब्रिटेन के प्राचीन सिक्के की इसी सितंबर महीने को नीलामी होने वाली है और इसके मालिक और नीलामी का आयोजन करने वाली कंपनी डिक्स नूनन वेब का अनुमान है कि ये 2,00,000 पाउंड यानी कि करीब 2 करोड़ रुपए में बिक सकता है। ब्रिटेन में खजाने की तलाश करने वाले एक व्यक्ति को पिछले साल विल्टशायर और हेम्पशायर बॉर्डर पर वेस्ट डीन में 30 पेंस यानी 31 रुपए का एक सिक्का हाथ लगा। ब्रिटिश अखबार मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पाया गया कि ये सिक्का सोने से बना हुआ है और इसमें थोड़ी मात्रा में चांदी और तांबा भी मौजूद है। ये 802 और 839 वर्ष के वेस्ट सैक्सन के राजा एक्बर्ट के काल का बताया जा रहा है यानी कि ये 1200 साल से भी ज्यादा का पुराना है। खजाने की तलाश करने वाले व्यक्ति ने एक जगह मेटल डिटेक्टर से संकेत मिलने पर खुदाई की और ये सिक्का नजर आया। पहले उसे लगा कि ये किसी शर्ट से टूटा बटन होगा। साफ किया तो पता चला कि ये प्राचीन सिक्का है। अब इसका वजन 4.82 ग्राम जबकि व्यास 1 इंच से कम है और इस सेक्शन शब्द वाले मोनोग्राम के चारों ओर राजा का नाम एक्बर्ट रेक्स अंकित किया गया है। लंदन में हाल ही में एक प्राचीन चम्मच करीब 2,00,000 रुपए में ऑनलाइन नीलाम हुआ था और एक व्यक्ति ने फुटपाथ की दुकान से सिर्फ 90 पेंस में ये 93 रुपए में खरीदा हुआ था। लेकिन चांदी से बना हुआ 5 इंच का ये चम्मच 13वीं शताब्दी का बताया गया है। तो दोस्तों इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की रोचक खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।